टॉयलेट जा रहा है? हाँ। पहले मैं नहाऊंगी, मेरी क्लास है। आपको तो नहाना है, बिना नहाए भी आप सेम ही लगोगी। मेरे को प्रेशर बन रहा है, पेट में दर्द हो रहा है मेरे, पहले मैं ही जाऊंगा। तेरे को क्या लगता है, तेरे हगने के आधे घंटे बाद तक कोई बाथरूम जा सकता है? पहले मैं ही जाऊंगी। अबे जाओ ना यार आप। कैसा है, पहले तो मैं जाऊंगी, तेरा सारा दिन का ये मेरे को जाना दो ना। अंदर कौन है? मुझे क्या पता कौन है। मैं हूं भैया। तू तो आधे घंटे पहले अंदर गया था, तब से अंदर बैठा है। और तू कर क्या रहा है आधे घंटे से अंदर? बाहर आ यार। भैया निकले जा रही है तो मैं क्या करूं? झूठ बोल रहा है ये। आप देख लो, अब आगे लगातार निकल रही है। एक तो टॉयलेट बाथरूम है इस घर में, वो भी कंबाइंड। वेट करते रहो यार पागलों की तरह बस पूरे दिन घर में। रश्मि, मेरा ब्लैक कोट कहाँ है? इनमें ही है। इनमें कहाँ ढूंढूंगा मैं? मुझे क्या पता, घर की हालत ही ऐसी है, घर उतना ही और सामान बढ़ता जा रहा है। तो सामान कम लिया करो। जब ये घर लिया था ना, हम दो जने थे और अब पांच हैं, सामान कहीं तो आएगा। यार पापा, जब सात वाला प्लॉट ले रखा है, इसमें कुछ बना ही लो ना, कब तक इस पिद्दड़ से घर में रहते रहेंगे हम? और ऊपर से पापा एक ही बाथरूम है, उसी में नहा लो, उसी में हग लो। इसीलिए मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाती कभी। कोई मेहमान आ जाए घर में तो पहले ये टेंशन हो जाती है कि उनको सुलाएंगे कहाँ। यार तुम्हें पता नहीं है क्या, उस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन हमने अब तक क्यों नहीं करवाई? क्या क्या नहीं झेला उसकी वजह से हमने। पापा ये भी कोई बात होती है क्या, कोई ढंग का सा आर्किटेक्ट रखोगे? वो सब वास्तु वगैरह देख के ही घर बनाएगा। आर्किटेक्ट का चक्कर क्यों पालना है, दो कमरे उस प्लॉट में निकाल देंगे, बीच की दीवार हटा देंगे, हो गया बस। आप तो ना हमेशा लिपा पोती की प्लानिंग बनाया करो। हाँ यार पापा, आप घर रेनोवेट करवाएंगे तो ढंग से करवाएंगे, वरना रहने दो आप। तुम सब लोग जब एक हो ही रखे हो तो करा लो जो कराना है, मेरे से क्या पूछ रहे हो। बस तो फाइनल हो गया, आर्किटेक्ट का नंबर मेरे पास है, मेरी फ्रेंड का घर अभी रेनोवेट हुआ था और कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि पुराना घर है। अच्छा, मैं कल की मीटिंग फिक्स कर रही हूँ, अब आप लोग उनसे बात कर रहे हो बस। मजा आ गया। झिलमिल मानिकशा। रश्मि, सो व्हाट डू यू वांट, लाइक रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन? रेनोवेशन ही ठीक है। हाँ, रेनोवेशन ही करवा लेते हैं। ओके ओके। वैसे झिलमिल जी, हम आपके साथ एक बात शेयर करना चाहते हैं। जिस मकान में अभी हम रहते हैं, 2-3 साल पहले उसके साइड वाला प्लॉट हमने खरीदा था। अच्छा। उसको लेने के बाद हमारी फैमिली में काफी हेल्थ इश्यूज रहने लगे थे, तो काफी लोगों ने बोला कि ये प्लॉट हमारी फैमिली पे ही भारी है, इसे बेच दो। ओके ओके। तो हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें उस पे कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए या रहने देना चाहिए। यस मैम, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा, आपके साइड में एक सारिका वर्मा जी रहती है ना, वो मेरी पिछली क्लाइंट थी। अच्छा। उनके साथ तो ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो जिस घर को फाइनल करने जा रही थी वही उनके हाथ से निकले जा रहा था। कहीं पे बजट का इशू, कहीं पे लोकेशन का इशू, कहीं पे इंटीरियर्स का इशू, ये प्रॉब्लम्स उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अच्छा, फिर उन्होंने ले देकर एक जगह लॉक भी कर ली। मैम 90,000 का टोकन अमाउंट भी भेज दिया। आप यकीन नहीं मानेंगी, साइट पर काम रुक गया, प्रोजेक्ट वहीं स्टक हो गया एंड मैम उनके 90,000 रुपीज वहीं अटक गए। मैम उनके पैसे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बताइए, बंदा पाई पाई करके तो पैसे जोड़ता है, बार बार कोशिश करने के बाद जब उनके पैसे आने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज एक एस्ट्रोलॉजर से बात करो। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो जरूर मिल जाएगा, और मैम बड़ी मुश्किल है वो मानी, और फिर जाके उनकी बात हुई पल्लवी जी से एस्ट्रोटॉक ऐप पे। और मैम आप मानेंगी नहीं, वहीं जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। हाँ मैम, पल्लवी जी ने उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा। मैम आप यकीन नहीं मानेंगी, बताते ही लिटरली पल्लवी जी का पहला सवाल ये था, क्या आपके अभी रिसेंटली पैसे डूबे हैं या फिर घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बताओ। अच्छा, ऐसे कैसे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम से बता दिया? आपकी तरह वो भी शॉक रह गई थी कि इनको ये सब पता कैसे चल गया। मैम उसके बाद तो उनका ट्रस्ट पल्लवी जी और ऐप पे और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने सारी प्रॉब्लम समझ के उनको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताया कि ये सारे इश्यूज क्यों आ रहे थे, और फिर उन्होंने दो सॉल्यूशन बताए और कहा 9 डेज तक इन्हें कंटिन्यूअसली करना है। उन्होंने वैसा ही किया, दो डेट्स दी और कहा इन दोनों डेट्स में से किसी भी एक दिन घर लॉक कर लो। उन्होंने वैसा ही किया और बाय गॉड मैम, उनका घर उसी दिन लॉक हो गया विदाउट एनी इश्यू। बकायदा उन्होंने बोला कि 28 अक्टूबर तक नया घर बन के आपके हाथ में आ जाएगा मैम, और देख लो आज वो अपने नए घर में रह रही है। क्या बात है। क्या नाम बताया था आपने उस ऐप का जिससे उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से बात की थी? एस्ट्रोटॉक। आप लिंक से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैम ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में सबके साथ आती हैं, कभी घर को लेकर, पैसों को लेकर, रिलेशनशिप या शादी को लेकर। ऐसे में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर से बात करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा। ऐसा करते हैं, हम भी एक बार उनसे बात कर लेते हैं। और आप लोग को भी मैं एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जाके डाउनलोड कर लो,
पहली चैट फ्री में मिल जाएगी। अच्छा तो आपको साइट कब तक कंप्लीट चाहिए? जितनी जल्दी आप दे सको। दिवाली तक दे दो तो बहुत ही अच्छा है। ओके, अगले 7 महीने बाद दिवाली आप अपने नए घर में ही मनाएंगे। चार महीने हो गए इनसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ये इंटीरियर कब शुरू करेंगे? कह तो रहे थे यार दिवाली पे दे देंगे। अरे यार कौन सी दिवाली पे, इस दिवाली पे, अगली दिवाली पे? देख के आते हैं क्या कर रहे हैं। मजदूर कहाँ हैं? अंदर ही होंगे, काम कर रहे होंगे, चल देखते हैं। आज चार ही लोग आए हैं बस काम पे। अजय ठंड पड़े लग रही बहुत, छुट्टी पे हैं आधे लोग। और बड़े मिस्त्री जी कहाँ हैं? यही थे, वो तो बाहर तक गए थे किसी काम से। जब भी हम साइट पे आते हैं मिस्त्री जी किसी ना किसी काम से निकले हुए होते हैं, ये काम नहीं है क्या उनका? जिस स्पीड से लोग चल रहे हैं ना, दिवाली तक इनकी कंस्ट्रक्शन भी पूरी नहीं होती, घर में एंट्री करना तो भूल ही जाओ। अरे यार अपने काम का ना खुद ही ख्याल रखना चाहिए, इनका क्या है, ये तो करते रहेंगे 2 साल तक यही काम, इन्हें तो मिल रही है बढ़िया दिहाड़ी अपनी। सही कह रहे हो, हमें ना खुद ही अलर्ट होना पड़ेगा। और आज पीओपी वाले को भी तो आना था, वो कहाँ रह गया? हाँ कह तो रही थी जिलवे। से फोन करती हूँ, हमारे घर में सच बता रही हूँ क्या चल रहा है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो जी मैम, झिलमिल ये पूरी लेबर काम पे क्यों नहीं आ रही है, आपकी नॉलेज में है ये सब? कितने लोग आए हैं मैम? 4 लोग आए हैं और वो भी सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ। अच्छा मैं देखती हूँ मैम। 2 दिन से पीओपी वाले भी नहीं आ रहे हैं। हाँ जी मैम, पहले ना इलेक्ट्रीशियंस अपनी वायरिंग करेंगे, उसके बाद जाके पीओपी वाले अपना काम करेंगे। तो इलेक्ट्रीशियंस क्यों नहीं आ रहे हैं झिलमिल? जी मैम उनसे बात हुई थी मेरी, उनकी जो लेबर है उनके पड़ोसी के चाचा के बेटे की डेथ हो गई है। पिछले हफ्ते भी उन्होंने यही कहा था। अच्छा तो मैं पता करके बताती हूँ आपको। इनमें से किसी को कुछ नहीं पता, राम भरोसे काम चल रहा है यहाँ बस। ये मलबा भी उठवा दिया करो यहाँ से, कितना गंदा लगता है ये पड़ा हुआ, ये हर चीज के लिए कहना ही पड़ेगा। अजी ठेकेदार जी से कहलवा दियो, उठा देंगे हम तो। ये बढ़िया है, हमारी ही साइट है, हमारे ही पैसे लग रहे हैं और हमारी ही कोई नहीं सुन रहा है, और दो काम ठेके पे। अरे शर्मा जी इस उम्र में भी भाभी जी ने पूरा मेंटेन करवा रखा है आपको। तो हमारी भाभी ने कौन सी कमी छोड़ रखी है, अरे तुम कौन सा बुड्ढा लगो। अरे शर्मा जी यार आप भी। फ्रंट तो ठीक ठाक निकल गया इनका है। आर्किटेक्ट कहाँ की है इनकी? बाहर की है कहीं की। वैसे आर्किटेक्ट हमेशा गुप्ता जी लोकल ही करनी थी। अजी सही बात है जी, साइट पे ठेकेदार क्या मिला रहा क्या नहीं मिला रहा किसी को कुछ नहीं पता जी। पोर्च के इतने लंबे लेंटर में एक भी बीम नहीं दिया। जी आधे दिन तो मिस्त्री बैठ के इनके फोन चलावे, नहीं तो कोई इतना लंबा काम थोड़ी जाए जितना टाइम लग गया इन्हें। खुद तो यहाँ से किराए के मकान पे शिफ्ट हो गए और यहाँ की सारी गंदगी पड़ोसियों को झेलनी पड़े। भाई साहब इनके मजदूर तो ऐसे हैं, यहाँ से रेत बजरी भी समेट के नहीं जाते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई साहब आप, बुरा हाल मचा रखा है इन लोगों ने, कल ही मेरी मिसेस का स्कूटर यहाँ से फिसलते फिसलते बचा। बताओ भाई साहब, पड़ोस में घर बनना और पड़ोसियों की दुर्गति होना। बस जी पड़ोस का मामला, इसलिए हम तो कुछ तो कहते नहीं, हम भी वही चुप हो जाते हैं। मुझे क्या ही करना, घर जाके बर्तन मांज रहे। जय श्री राम डॉक साहब, बढ़िया घर बन रहा है। जी भाई साहब आशीर्वाद है माता रानी का। इलेक्ट्रीशियन लगा हुआ है क्या? हाँ जी भाई साहब, वो घर का फ्यूज उड़ गया था, तो क्या 2 मिनट देख लेंगे? हाँ हाँ देख लेंगे। चल भाई ले जा रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं इसे। है भाई साहब? जी भाई साहब। कितने दिन में कह रहे हैं फिर इसे पूरा करने को? भाई साहब 2-3 महीने में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। भाई साहब 6 महीने से पहले तो मुझे ये पूरा होता कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा, और फिर इंटीरियर में तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है भाई साहब, बहुत टाइम लग जाता है। वो तो कोई नहीं भाई साहब, एक बार घुस जाएंगे घर में तो फिर काम तो चलता ही रहेगा। भाई साहब बस यही गलती मत कर देना आप। मैं कह रहा लेबर ऐसी चीज होती है इन्हें सालों को धक्के मार कर निकालना पड़ता है घर से, भाई साहब जाते नहीं अपने आप से, बता रहा मैं आपको। अच्छा बाथरूम सारा ही सफेद करवा लिया आपने, भाई साहब बहुत धूल बैठेगी इन पे तो। कोई नहीं भाई साहब, धूल तो हम पे भी बैठती है, नहा दोगे साफ हो जाती है। वैसे ग्रोवर साहब इस उम्र में ना इतने बड़े मकान की आपको जरूरत थी नहीं। अब आप एक बात बताओ, बच्चे तो बाहर चले जाएंगे,
घर में कौन बचेगा, बुढ़ा बुढ़ी। सोले बुढ़ा होगा तेरा बाप। गलती हो गई भाई साहब, अभी आर्किटेक्ट को फोन करके बोलता हूँ कि हमारा घर पहले जैसा ही बना दे। ग्रोवर साहब, ग्रोवर साहब। जी शर्मा जी। ग्रोवर साहब, आपके जो मजदूर हैं वो काम करते हुए ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारी रेता मिट्टी नाली में गिर जाती है, हमारे घर की नालियां ब्लॉक हो रही हैं इस वजह से। अच्छा, मैं बोलता हूँ उनको, ध्यान देंगे। काम चल रहा है ठीक है, पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। ग्रोवर साहब, ग्रोवर साहब। क्या हो गया शर्मा जी? ये आपके मजदूरों ने ईंटें इस कदर लगा रखी हैं, कार निकालने में दिक्कत हो रही है। हमें ईंटें तो साइड में ही लगवाई थी वैसे, गाड़ी निकालने के लिए जगह कम बच रही है, जरा कह दीजिएगा और साइड में लगा देंगे। ठीक है, दूसरे की तकलीफ का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रोवर साहब, ग्रोवर साहब। अब क्या हो गया भाई साहब? देखिए, हमारे बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम्स और आपके यहाँ ये टाइल काटने वाली मशीन ने बहुत शोर मचा रखा है, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। दो चार दिन की बात है, आप काम रुकवा दीजिए। कौन सी क्लास में है आपके बच्चे? एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में है। ओह, चलो जी, मैं कह दूंगा बिना शोर मचाए टाइल काट ले। अपने बच्चे तो पढ़ लिए, दूसरों के बच्चों का नाम। ग्रोवर साहब, कुछ हेलो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो भाई ये थी वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस की। तो अब तुम लोग जानते हो हमारा घर भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हमने आइडियाज कहाँ से लिए होंगे? नहीं आइडियाज नहीं, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं दूसरों से सुनी हुई हमने ली, मतलब सुनी सुनाई भी ले लेते हैं। और नहीं, थोड़ी थोड़ी हरकत तो लोग बात करते ही है, पर कुछ थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाता है उनको। कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना यार वीडियो में, ऐसा थोड़ी ना सब कुछ साफ साफ दिखाएंगे। हम अपने पड़ोसी से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, वो कुछ फील ना करे। कोई कुछ फील मत करना भाई, एकदम गुड। सो इफ यू, अगर तुम्हारा भी अभी घर बन रहा है या बनेगा या फिर किसी का भी बन रहा है तुम्हारे जानने वाले में, तो है, वो जरूर रिलेट करोगे इस चीज़, बहुत रिलेट करोगे, तो उनको शेयर कर दो। और जो सच में इस टाइप के पड़ोसी होते हैं वो इस बात से शिक्षा ले कि जब किसी का घर बनता है तो तंग नहीं करना चाहिए, तुम्हारा भी शिक्षा वाली लेनी चाहिए, शिक्षा ही लेनी चाहिए भाई, ऐसे इतना तंग नहीं करना चाहिए। खैर भाई, शेयर कर दो अपने घर वालों के साथ, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी घर तो बनाया ही होगा। सभी बनाते हैं घर, तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। ये तो मैं ही बोलता हूँ, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।